जाने आज मैं जहाँ पे आया हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे मेरा 4 years पहले मेरा ब्लॉग आया। हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे। हाँ जी भाई, आपको याद आ गया है कि आपका एक YouTube चैनल भी है और मैं अपने चैनल को भूला नहीं हूँ, बट मसरूफियत की वजह से टाइम ही नहीं मिलता आजकल वीडियो अपलोड करने में। लेकिन आप कोशिश यही है कि यार 3 दिन में या 4 दिन में या 1 हफ्ते में एक वीडियो तो वाकई आ जाए। अगर मेरी आईज आपको रेड नजर आए तो जानी बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। और सो आज का ब्लॉग और आज का दिन करते हैं स्टार्ट 2:30 बजे। तो सबसे पहले जाना है बाहर और जाके यानी गाड़ी का ऑयल चेंज करना है, तो सबसे पहले गाड़ी का ऑयल चेंज कराते हैं। तो जाने में पहुंच आया हूँ ऑयल चेंज पे, इट्स माय फेवरेट वन। और दूसरी बात, ये मेरे दोस्त का एक्चुअली, तो तभी मैं यहाँ पे ज़्यादातर आता होता हूँ। तो होगा Let's go. आजा ब्रो। Oh, over here. I'll go. Let's go. Okay. So, मुझे हमेशा यहाँ से डर लगती है कि गाड़ी वही नीचे ना चली जाए। Okay. Here we go. Okay. Yes. जी मशीन आप देख रहे हो, तो इस मशीन में ना आपको जो भी ऑयल आपका ऑडी इंजन में पड़ा होता है तो वो ना सक करके ना तो वो ड्राई कर देता है। उसके बाद जब आप नया ऑयल डालते हो ना तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जो पुराना वाला है वो जब गंदा हो जाता है, दूसरी बात है वो जल जाता है। इसके लिए ये मशीन सबसे बेस्ट है। एक्चुअली मेरी गाड़ी में ना कस्टम एयर इनटेक है, आई थिंक सो वो शायद आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे ना, वो इतना बड़ा से पुप्पा है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो भी आपको चेंज कराना चाहिए, तो मैं अक्सर यहाँ से ही करवाता हूँ, लेकिन आई थिंक सो आज ठीक है, उसने कहा है कि गुड है। सो ऑल लाइक ओके। और अभी ये किचन आई थिंक सब कुछ ओपन कर रहे हैं और डोर वगैरह किचन आई थिंक चेक होगा। सब छोड़ो वो चेक करो, क्या सालन चीज है ना भैया, स्टिल अभी तक यू नो लगे हुए हैं वो, चेक तो करो आप। और डन हो गया भैया, तो 10 मिनट्स का ऑयल चेंज और ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद जस्ट ऑयल चेंज हुआ है और प्राइस है $115, और जो कि मैंने AD दिया है कैश, और वीज़ा कार्ड जो मेरा अपना है उस पर दिया 35 आवर्स। चेक करो आप, और ये सारी चीज़ें चेक हुई हैं यार। ऊपर मैं इसलिए नहीं दिखा सकता, ऊपर थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, सो दैट्स व्हाई। हियर वी गो। तो आप सब कुछ डन हो गया है, ये मिरर वगैरह साफ करने के इतना भी थे, और उसके बाद निकलना है यहाँ से। यहाँ से निकलने से पहले एक लास्ट बार जानी है, मैंने टेंट उतारे हैं अपनी गाड़ी के, तो ना मुझे ना न्यूड फील हो रहा है सीरियसली। मैं बड़ा कंफर्टेबल होता था यार टेंट्स के साथ और यू नो प्राइवेसी, लेकिन अब हो रही है। लेकिन आ जाएगी, ये एक वीक की बात है, एक की नेक्स्ट वीक में मैं लगा लूँगा। तो अभी ज़रा चलते हैं जानी, तो सब कुछ डन हो गया यहाँ से। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट दैट, एंड लेट्स गो। अब ज़रा चलते हैं, अब गाड़ी वॉश करनी है, बहुत गंदी है। अब ज़रा चलते हैं अपने अड्डे जहाँ से मैं गाड़ी वॉश करवा दूँ। वैसे मैं JCPenney मॉल के पास सामने से जा रहा हूँ, बाद में काफ़ी टाइम हो गया यार, इधर आया भी नहीं हूँ, ये क्या कर रहा है इधर देख, हाँ बात बात साले बीच में आके मुझे। और रश चेक करो आप आज, या मैं गाड़ी ठोकूंगा या कोई मुझे में आके ठोकेगा। ये क्या बेच रहे हो, कुछ तो बेच रहे, बढ़िया। क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, तो मॉल की बात कर रहे थे यार कि काफ़ी टाइम हो गया यार, लास्ट टाइम अली भाई के साथ आया था, उसके बाद तो आया ही नहीं हूँ। चलो निकल जा, यस चलते हैं अब आगे। तो स्लाइड रोड से मैं आ गया हूँ वॉशिंग शॉप लूप पे, और अभी जाते हैं जाके अपनी गाड़ी वॉश करते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे कार वॉश हैं मेरे घर के पास, लेकिन मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आता एक्चुअली, मज़ा आता है तो यहाँ पे ना वॉश करने पे था, तो अभी वहाँ पर चलते हैं ज़रा। वैसे व्लॉग अपडेट वो ये है कि ये मेरी सामने यूनिवर्सिटी है और हम लोग ने टर्न लेना है ग्लेना, तो
धोलावाड़ में, एंड ये ना मेरी फेवरेट जगह है, आप चेक तो करो ना, मज़ा आता है मुझे यहाँ पे ड्राइव करते हुए। तो जानी हम लोग वॉलमार्ट से गुजरते हुए चले हैं राइट साइड की तरफ, और मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा ये आंटी किधर जा रही हैं, ये अंकल क्या कर रही हैं, और हम लोगों को जाना है टेक फाइव कार वॉश पे। आना ये थोड़ा एरिया थोड़ा सा गंदा है, बट कोई नहीं, और देखो ये हमें सारे बैठे हैं, सिर्फ जाए 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 गो जाना ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बस हो जा ओके जी लेट्स गो। और हम पहुंच आए कावाश में, यस हियर वी गो, अब कोई आ जा आ जाओ, कोई तो आ जाओ। आई थिंक सो मैं पिछले व्लॉग में आया हुआ हूँ, वो भी एडिट करना रहता है मेरा, लेकिन चेक तो करो आप। हाँ वैसे हसनैन भाई आज आपने पूरा व्लॉग गाड़ी में ही करना है? नहीं भैया, बट बाहर ना 41-42 सेल्सियस हो रहा है जानी, और इंतहा की गर्मी आ रही है, और इस गर्मी में गाड़ी वॉश करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, बाहर निकलते हैं। गाड़ी अपनी ना फिट होगी, चेक करो आप, हाँ साफ सुथरी, गुड लेट्स गो। ओह माय गॉड, पहले एसी ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी है, सॉरी मेरी हालत में मत जाना, मुझे भी घर जाके शॉवर भी लेना है, सो उसके लिए अभी जाता हूँ घर, उससे पहले एसी में बैठ के थोड़ा सा ठंडा हो जाऊँ। हाँ वैसे मेरे पास तीन रास्ते हैं, जैसे आपके पास ज़िंदगी में तीन रास्ते होते हैं, लेकिन ये आपका क्या कि आपने कौन सा चूज़ करना है। मैं लेफ्ट जाता हूँ। जानी तो मैं आया हूँ ज़रा डच ब्रोस पे, और एक्चुअली ना मैं डिसाइड कर नहीं कर पा रहा कि भाई कॉफ़ी कौन सी उठाऊँ आज, तो आई वांट टू गो विद मोका टुडे, आई थिंक सो, यस लेट्स गो मोका उठाते हैं, डन। गाइस तो जाने आज मैं जहाँ पे आया हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे मेरा 4 ईयर्स पहले मेरा ब्लॉग आया था, 2 से 3 ब्लॉग, लगभग रीजनल पब्लिक सेफ्टी मेमोरियल के पास, और यानी मैं कुछ सैड फील कर रहा था, तो सोचा अभी यहाँ पे आया जाए और आके अपना जो मूड है उसको रिफ्रेश किया जाए, आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करता हूँ। मेरे पास ड्रोन शॉट्स हैं, वो ड्रोन शॉट्स मुझे अगर मिल गए अपनी हार्ड ड्राइव में तो मैंने डाल दिया, मुझे पता नहीं है कि हैवी के नहीं, बट अपनी तरफ से हैं, अभी यही मान के मैं चलता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ज़रा व्यू देखो गो। हाँ जी भैया जाने तो आया, और आप लोग ये देख सकते हैं प्यारी सी लेक बाबा वे, उस वक्त मैंने क्या जाके शॉवर वगैरह लिया, उसके बाद कलूला किया थोड़ी देर, और फिर आया हूँ
टच पोस्ट की कॉफ़ी उठाने, मज़े की कॉफ़ी है ये, मैं सेकंड टाइम टेस्ट करूँ। पहला टाइम मैंने चाय थी लैटी टेस्ट की थी और वो बहुत मज़े की थी, और ये आज मोका ट्राई किया विथ कोकोमो फ्लेवर। सो अभी बैठे हैं तो इन्जॉय करते हैं, आप लोग ज़रा शॉर्ट्स देखिए, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। जानी तो मैं 3 आवर्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद आराम से चलता हूँ गाड़ी की तरफ, और अब चलते हैं ज़रा घर, और इसके बाद क्या पार्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लगभग सिर्फ